जब हम सत्संग करते हैं तब हमारे संदेह दूर होते हैं और हमारा भ्रम दूर होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 6 अध्याय में इसकी महिमा का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। वर्णन यहां से प्रारंभ होता है कि नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए बहुत दिनों तक सत्संग करने के लिए और विचार करने लगे, कोई ऐसा महापुरुष मिले जो हमें बहुत दिनों तक सत्संग कराए, भगवान की कथा सुनाए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नैमिषारण्य में बैठकर आप लोग प्रतीक्षा करो, आपको कथा सुनाने वाले वक्ता प्राप्त हो जाएंगे। परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी के चरणों में उन 88,000 मुनियों ने वंदन किया और प्रार्थना की कि व्यासपीठ पर आप विराजमान होकर हमें भगवान की पावन कथा सुनाए। उन महर्षियों के प्रेम को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो उसे कथा सुनानी चाहिए, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति न हो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री सुखदेव जी जब कथा सुनाने बैठे राजा परीक्षित को, तो देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ गंगा के तट पर आए। देवराज इंद्र ने कहा, राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, तो मरने के डर से ये कथा सुन रहे हैं, तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको अमृत पिला दो। और एक बूंद दो बूंद नहीं, एक घड़ा। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। और उन देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो, और जो कृष्ण कथामृत श्री भागवतामृत आप इन्हें सुनाने जा रहे हो, वो भागवतामृत आप हमें सुनाओ। राजा परीक्षित को मरने का डर है, इनको अमृत मिल जाएगा, अमृत पी लेंगे, मरने से बच जाएंगे। और ये भागवतामृत जो है ये आप हमें सुना दो। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने सोचा, ये देवता आए तो हैं, कथा के बदले में अमृत देने को तैयार हैं, लेकिन इनके हृदय में प्रेम नहीं है, ये स्वार्थी हैं, ये स्वार्थ से आए हैं। स्वकार्य कुशल असुराः, ये अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं,
और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वार्थियों की सूची बनाई तो उन स्वार्थियों की सूची में नंबर एक पर देवताओं को रखा। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागे करहिं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागे करहिं सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहिं सब सुर नर मुनि। स्वार्थियों का नाम लिया तो सबसे पहले सुर, उसके बाद नर, तब मुनि। मुनि महात्माओं में भी स्वार्थ होता है लेकिन सबसे कम, सबसे ज्यादा तो देवताओं। सुर सुखदेव जी ने सोचा ये स्वार्थ से आए हैं, ये प्रेम से नहीं आए, इसलिए इनको कथा सुनाना उचित नहीं। सुखदेव जी ने कह दिया आप लोग चले जाओ, मैं तो राजा परीक्षित को कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने भी कह दिया मुझे अमृत नहीं चाहिए, ले जाओ अपना अमृत, हम तो भागवतामृत का पान करेंगे। इस कथा का अधिकारी कौन है? बोले जिसके सामने एक तरफ मृत्यु हो, दूसरे तरफ उस मृत्यु से बचने का उपाय अमृत हो, लेकिन मृत्यु की चिंता छोड़कर, अमृत की लिप्सा छोड़कर कृष्ण कथा अमृत का वरण कर ले, वो इसका अधिकारी है। राजा परीक्षित ने कहा हमको अमृत नहीं चाहिए, ले जाओ अपना, मरना तो है ही, अमृत पी लेंगे तो कुछ दिन बाद मरेंगे, अंतर केवल इतना ही होगा। क्यों? बोले अमृत पीने वाला भी मरता है, रावण ने भी तो अमृत पिया था, मरा कि नहीं मरा? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, जिसके नाभि कुंड में अमृत, लेकिन उसको भी मरना पड़ा। पुराणों में वर्णन है जब देवासुर संग्राम हुआ तो जो देवता अमृत पिए थे समुद्र मंथन से प्रकट अमृत को, तो देवता भी मरे थे। ऐसा नहीं है कि अमृत पीने के बाद नहीं मरे। अमृत का मतलब ये नहीं है कि सर्वथा के लिए वो अमर हो जाएगा, हाँ थोड़ा कुछ दिन के लिए सुरक्षित हो जाएगा बस। राजा परीक्षित ने विचार किया कि अमृत पीने के बाद भी तो मरना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मैं भागवत कथा सुन करके मैं मरूं, भागवतामृत पी करके मैं शरीर त्यागूं। और राजा परीक्षित ने उस स्वर्ग के अमृत का तिरस्कार कर दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा राजन आज तुम परीक्षित हो गए, परीक्षित हो गए। अरे परीक्षित नाम तो इनका पहले से ही था। बोले वो नाम था लेकिन परीक्षित का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा हो जाए। तुम्हारी इतनी बड़ी परीक्षा भाई और इस परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। भगवान की कथा सुनने की, कथा श्रोता होने की ये परीक्षा हो गई और इस परीक्षा में परीक्षित पास हो गए। स्वर्ग के अमृत को तिरस्कृत कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि उन देवताओं में भक्ति न होने के कारण, प्रेम न होने के कारण सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्।
उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनी। न ददौ स कथामृतम, उनको कथामृत नहीं। तो इस कथामृत का अधिकारी वही है जिसके हृदय में भक्ति हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी उन मुनियों को कथा सुनाने लगे और सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए मृत्युलोक में आए और इस धरती पर नारद जी ने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। नारद जी सदा पर्यटन करते रहते, सत्यनारायण भगवान की कथा में नारद जी के विषय में जो वर्णन है कि पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन विविधान लोकान, नारद जी विविध लोकों में घूमते रहते और उनके घूमने का उद्देश्य क्या है? बोले नारद जी के घूमने का एक ही उद्देश्य है, परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें भगवान के भक्ति की प्रेरणा देने के लिए नारद जी पर्यटन करते रहे। नारद जी आए, कलयुग के प्रारंभ की ये घटना है, आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व आए नारद जी, सब जगह भ्रमण किया, तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंगम सेतुबंध रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। कलयुग का प्रभाव सब जगह व्याप्त हो चुका, क्या तीर्थ, क्या शहर, क्या नगर, क्या गांव, कलयुग ने सर्वत्र अपने पांव फैला लिए, तीर्थों में भी यह स्थिति हो गई कि दुष्ट, पापी, स्वार्थी, व्यावसायिक बुद्धि के लोग जाकर के तीर्थों में भी बस गए। परिणाम ये हुआ कि तीर्थों का भी सार घट गया। वेदव्यास जी लिख रहे हैं 5000 वर्ष पहले की बात कि तीर्थस्तु यवनैः ही रुद्धाः, तीर्थों को यवनों ने अवरुद्ध कर दिया, यवनों ने, मलेच्छों ने तीर्थों में जा जाकर के मंदिरों को तोड़कर अपने मत और पंथ का विस्तार करने के लिए परंपराओं का उच्छेद किया। उसका परिणाम बोले तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार घट गया, तीर्थों के सार कम हो गए। वही तीर्थ है जिस प्रयाग तीर्थ में जाकर के श्री भरत जी त्रिवेणी की स्तुति करते हैं तो त्रिवेणी से आवाज प्रकट होती है, भगवती गंगा बोलती, आज तीर्थों में जाओ, ऐसी दिव्य अनुभूतियां नहीं हो पाती। कुछ हमारी कमियां हैं, कुछ समय का प्रभाव है। नारद जी ने कहा कि सब तीर्थों में मैं गया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं।
और कलयुग का प्रभाव सब जगह व्याप्त हो चुका है। कलयुग का प्रभाव क्या? बोले लोग अन्न विक्रयी हो गए, अट्टशूला जनपदाह, किसान अन्न का उत्पादन करने वाले, अन्न का विक्रय करने लगे, खेत खरिहान से घर में अन्न नहीं आ पाया, वहीं से बिकने लगा, यह अन्न का अनादर हुआ। शिव शूला दुजात यह, और जो द्विज हैं ब्राह्मण, ये शिव शूल हो गए। शिव शूल का मतलब शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते, ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए, वेद को बेचने लगे। जो वेद धर्म का मूल है, उन वेद मंत्रों को ऐरे गैरे नथु खैरों के सामने पढ़कर उनकी प्रशंसा और स्तुति में वेद मंत्र का उच्चारण करके थोड़ी सी दक्षिणा के लोभ में वेद की मर्यादा को भूल गए। शिव शूला द्विजातय, इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, बेच ही वेद धर्म दुहिले। शिव शूला द्विजातय कामिन्यः केश शूलिभ्यः, स्त्रियों का श्रृंगार, उनका चरित्र, उनका आदर्श, उनकी पवित्रता, जो स्त्री का वास्तविक श्रृंगार है वो श्रृंगार लुप्त हो गया। केवल बाह्य श्रृंगार, शरीर की सजावट तक ही स्त्रियों का श्रृंगार सीमित रह गया। लोग भाग्यहीन हो गए। नारद जी कहते हैं कि जहां जहां मैं गया सर्वत्र मुझे कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ा। नारद जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर पहुंचने पर थोड़ी शांति मिली नारद जी को, लेकिन जमुना के तट पर उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री रो रही थी, विलाप कर रही थी, और दो बूढ़े उसके अगल बगल पड़े थे बेहोश, और कुछ स्त्रियां उस देवी की सेवा कर रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई चवर कर रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते रहते। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी को बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु थोड़ा रुक जाओ, मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मेरे दुख को दूर करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने बताया कि मैं भक्ति हूं। कौन सी भक्ति? उसका नाम केवल भक्ति था, जैसे आज किसी कन्या का नाम भक्ति हो, श्रद्धा हो, सरिता हो, ऐसे भी उसका भी नाम भक्ति रहा होगा। बोले नहीं नहीं, साक्षात भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े मुनि, अमलात्मा, महात्मा तप करते हैं, जिस भक्ति के रस को पाने के लिए हम आप भागवत की कथा सुनते हैं, वही भक्ति। जिस भक्ति के लिए भक्त मुक्ति का निरादर कर देते हैं और भक्ति का वरण कर लेते हैं, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भक्ति के लोभ में मुक्ति का निरादर कर देते हैं।
वह भक्ति। देवी ने कहा मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा देवी मैं तो आपका ही दर्शन चाह रहा था, इस वृंदावन में आकर के आपका दर्शन मुझे हो गया। ये दोनों जो बूढ़े हैं ये आपके बगल पड़े ये कौन है? उस देवी ने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा देवी आप तो जवान हो और आपके ये बेटे बूढ़े हो गए। बेटे जवान होते हैं तो माँ बाप बूढ़े होते हैं, यहां तो उल्टा है, माँ जवान है और बेटे बूढ़े पड़े। नारद जी ने पूछा ये देवियां जो आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी तुंगभद्रा कृतमाला पयस्वनी, ये भारत की पवित्र नदियां देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, भक्ति का दर्शन, ज्ञान का दर्शन, वैराग्य का दर्शन, इतनी पवित्र नदियों का दिव्य दर्शन। नारद जी ने कहा देवी आपका दुख क्या है, मैं आपकी क्या सहायता करूं? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा दुख यही है कि ये दोनों मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं और जर्जर हो गए, किसी काम लायक नहीं पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य दोनों जर्जर पड़े हैं, यही मेरा दुख है, इनको आप ठीक कर दो। नारद जी ने पूछा आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने कहा मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, फिर वहां से जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। वृंदावन में आते ही मैं तो नवीन हो गई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, असमर्थ हो गए, इनको आप ठीक कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, यही मेरा दुख है, यही मेरी पीड़ा है। बंधुओं यही स्थिति हमारी आपकी, जीवन में भक्ति है लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, किसी काम लायक नहीं। भक्ति तो है और वो भक्ति हमको आपको लेकर के वृंदावन चित्रकूट अयोध्या बड़े बड़े तीर्थों में वो भक्ति हमें आपको लेकर के जाती है, उस भक्ति के कारण हम जाते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य इतने जीर्ण और कमजोर हैं कि भक्ति होने के बाद भी हम रोते रहते। वो भक्ति रो रही थी वृंदावन में, नारद जी ने देखा वृंदावन में पहुंच करके भक्ति रो रही है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि तुम्हारे अंदर भक्ति हो, वो भक्ति तुमको वृंदावन अयोध्या चित्रकूट बद्रीनाथ धाम कहीं भी ले जाए, लेकिन अगर उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है, जीवन में अपने ज्ञान को और वैराग्य को आपने दृढ़ नहीं किया तो चाहे बद्रीनाथ धाम चले जाओ चाहे वृंदावन चले जाओ, जीवन में तुम्हारा रोना बंद नहीं होगा, दुख नहीं छूटेगा,
रोते रहोगे, विलखते रहोगे, हाय हाय करते रहोगे, वो समाप्त नहीं हो। क्यों? बोले ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। कलयुग ने इनको जीर्ण कर दिया। नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं। नारद जी ने सोचा इनको ठीक करने के लिए मैं इनको उपनिषद सुनाऊं, वेदांत सुनाऊं, गीता ज्ञान का भंडार है मैं इनको गीता सुनाऊं, ये ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने उन दोनों के कान के पास जाकर मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चैः समुच्चरण, ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख ले जाकर नारद जी ने जोर जोर से चिल्ला करके कहा, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठ जाओ, हे ज्ञान उठ जाओ। लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। फिर नारद जी ने उपनिषद सुनाया। उपनिषद सुन करके थोड़ा बहुत ज्ञान वैराग्य हिले डुले, उसके बाद फिर ठंडे। नारद जी ने गीता सुना डाली और गीता एक बार नहीं कई बार सुनाया। वेद व्यास जी कहते हैं कि गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ बार बार सुनाया, ज्ञान वैराग्य थोड़ा हिले डुले और फिर ज्यों के त्यों। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दी, वेद वेदांत सुना दिया और ये ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। इसका मतलब यही है, नारद जैसे उपदेश देने वाले मिल जाएं और तुमको वेद वेदांत गीता का संपूर्ण ज्ञान घोंट करके पिला दें, इसके बाद भी ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं हुआ। तब नारद जी को चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम्हारा प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, तुम सत्कर्म करो। बस इतनी आकाशवाणी हुई। नारद जी ये नहीं पूछ पाए कि कौन सा सत्कर्म करूं। मैं उपनिषद सुना रहा था, गीता सुना रहा था, ये भी तो सत्कर्म है। सत्कर्म करने की जब आज्ञा हुई आकाशवाणी के द्वारा, तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी अब आप अपने पुत्रों के साथ रुको, मैं तो जा रहा हूं। भक्ति महारानी ने कहा, मेरा कल्याण आप करो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे पुत्रों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने कहा, उसी का उपाय ढूंढने जा रहा हूं, पहले तो मैं ये पता लगाऊं कि सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, आकाशवाणी ने जो कहा है। और नारद जी चल पड़े, बड़े बड़े मुनि महात्माओं के पास पहुंचे, पूछा सत्कर्म क्या है, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। भागवत में तो, यहां महात्म में तो ऐसा वर्णन है कि नारद जी जब किसी के पास पूछने जाते तो लोग पहले से ही सावधान हो जाते। किसी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर असंभव है। किसी ने कहा, दुर्गे अमिति चापरे, आपके प्रश्न का उत्तर तो है लेकिन बहुत कठिन है, कोई महापुरुष मिलेगा बताने वाला तभी इसका उत्तर प्राप्त होगा। और महात्माओं के पास नारद जी गए तो उन महात्माओं ने अपने मुख पर हाथ रख लिया, इशारा किया, हम तो मौनी महात्मा हैं, बोलते बोलते नहीं हैं, हम क्या उत्तर दें। कुछ महात्मा ऐसे थे, उन्होंने नारद जी को आते देखा तो रास्ता ही छोड़ दिया कि अंतस्तु पलायिताहा। कितने ऐसे थे जो पलायित हो गए, भाग गए। नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, कहां से उत्तर दे।
तब नारद जी अपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उत्तराखंड पहुंचे, देवभूमि। उत्तराखंड में बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में, और वहां इनको इनके बड़े भैया मिल गए। नारद जी के बड़े भैया, चार भैया इनके हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद जी के बड़े भाई, और ये चारों महात्मा विरक्त महात्मा। सदा इनकी आयु 5 वर्ष की ही रहती है, 5 वर्ष से ज्यादा नहीं, और कोई कपड़ा भी नहीं पहनते दिगंबर जैसे बच्चे होते, लेकिन परम ज्ञानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। देखने में ये बालक हैं, लेकिन ये सबके पुरखा है महाराज। देखत बालक बहु काली ना, देखत बालक बहु काली ना, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहु काली ना, देखत बालक। देखने में बालक लेकिन बड़े पुराने। पूर्वेशामपि पूर्वजाः, वेदव्यास जी कहते ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज, ये वशिष्ठ, वामदेव, ये बड़े बड़े महामुनि सब इनके बाद पैदा भए, ये सनकादिक भगवान के परम भक्त। और इनके जीवन का व्यसन क्या है, बोले भगवान की कथा। ये चारों भाई जहां रहते हैं केवल एक काम करते हैं, कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं, बस। किसको सुनाते हैं, किससे सुनते हैं, बोले किसी के पास इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं, इनको ज्यादा श्रोता की जरूरत नहीं। उन्हीं चार में से एक व्यास पीठ पर बैठ जाते और 3 श्रोता बनकर के बैठ जाएं, कथा शुरू। और जब व्यास जी थक जाएं तब वो व्यास जी आकर के नीचे बैठ जाएं, श्रोता बन जाएं, और नीचे जो श्रोता थे उसमें से एक फिर ऊपर चले जाएं व्यास जी पर, फिर कथा शुरू। इन चारों भाइयों के जीवन में कथा ही इनका सर्वस्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आशा बसनी बेसनी यह तिनही, आशा बसनी बेसनी यह तिनही, रघुपति चरित होइ ता सुनही, रघुपति चरित होइ ता सुनही, रघुपति चरित आशा बसन। आशा बसन, आशा मने दिशा, दिशा ही जिनका वस्त्र है, अर्थात दिगंबर, सदा दिगंबर रहते। आशा बसन, तन पर पहनने के कपड़े नहीं है दिगंबर, लेकिन व्यसन इनका बड़ा उच्च कोटि का है। व्यसन क्या है, बोले रघुवर चरित हो इतना सुने, भगवान के चरित्र को सुनने का व्यसन है, नशा है। जैसे किसी को किसी चीज का नशा हो जाए, व्यसन हो जाए, तो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं पाता, उस व्यसन के लिए, उस नशा के लिए वो सब छोड़ करके चल पड़ेगा, पहले हमको ये चीज मिले। क्यों, बोले उसके बिना वो रह नहीं सकता। लेकिन ये सनकादिक जो है इनका व्यसन क्या है, बोले भगवान की कथा। ये कथा भी बड़ा व्यसन है हमारा, जिसको इसका व्यसन लग जाए, जिसको इसकी आदत पड़ जाए, उससे पूछो, वो कथा के बिना रह नहीं सकता, महाराज सब छोड़ करके चल देगा वो कथा सुनने के लिए। क्यों, बोले कथा उसके जीवन का व्यसन बन गई।
और कथा को जो व्यसन बना ले अपने जीवन में, उसके जीवन के सारे व्यसन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये व्यसन सारे व्यसन को धुल देता है, जीवन के सारे व्यसन चले जाएं। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होइ ताहि। सनकादिक सत्संग कर रहे थे, नारद जी पहुंचे उत्तराखंड। नारद जी को देखा, नारद जी थोड़ा चिंतित थे। सनकादिकों ने पूछा, इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः। हे नारद, तुम इतने चिंतित क्यों? तुम्हारे जैसे महात्मा को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, महात्मा बन गए उसके बाद भी चिंता? सारी चिंता से मुक्त होने के लिए तो महात्मा बना जाता, और महात्मा बनने के बाद भी चिंता बची ही रह गई तो महात्मा बनने का मतलब क्या हुआ? नारद जी ने कहा, भगवान मेरी जो चिंता है वो अपनी चिंता नहीं, चिंता साधु के जीवन में भी होती है, संतों महापुरुषों के जीवन में भी चिंता होती है, लेकिन अपनी चिंता नहीं होती है। उनको समाज की चिंता होती है, उनको राष्ट्र की चिंता होती है, उनके प्राणियों की चिंता होती है, लोगों का कल्याण कैसे, लोक हित की चिंता होती है, लोक का कल्याण कैसे। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्ष है, संतों का जीवन परहित और परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतय। नारद जी ने कहा, मेरी चिंता का कारण कुछ और है। सनकादिकों ने पूछा, नारद जी ने सब बताया, ऐसे ऐसे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, उनको मैं कैसे ठीक करूं, कौन सा सत्कर्म करूं, यही जानने के लिए मैं निकला हूं। तो सनकादिकों ने कहा, नारद सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान की कथा है। जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं दे पाए, सनकादिकों ने एक क्षण में बता दिया। सनकादिकों ने कहा, नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। ज्ञान यज्ञ माने ये भगवान की कथा, श्रीमद्भागवत महापुराण का अनुष्ठान, इसकी जो कथा है ये ज्ञान यज्ञ है। और यही ज्ञान यज्ञ वो सत्कर्म है, जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे और भक्ति भी स्वस्थ हो। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो और सही डॉक्टर न मिले, सही जांच करने वाला न मिले, तो व्यक्ति भटकता रहेगा, कितने रुपए बर्बाद हो जाए। और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो उसकी नब्ज को पकड़ करके जान जाए समस्या क्या है, और वो डॉक्टर कह दे, जनाब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, दो पैसे की दवा में मैं आपको ठीक कर दूंगा, ये दवा खाओ और बस एक खुराक में ठीक हो जाओ। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा, इतने डॉक्टर के पास हम गए, इतनी दवा खाए तो ठीक ही नहीं भय, और ये दो पैसे की दवा से और एक बार में ठीक हो जाए। क्यों? बोले वो सब जगह घूम करके आ चुका है, इसलिए उसे विश्वास नहीं है। वही स्थिति नारद जी की। नारद जी ने कहा, हमने वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दी, ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो अब भागवत कथा सुनाने से वो ठीक हो जाए? सनकादिकों ने कहा, ये भागवत जो है ना, ये सारे वेद उपनिषद गीता सबका सार है श्रीमद् भागवत। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते। ये भागवत समस्त वेदांत का सार है, और इसे सुनाने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए। ज्ञान यज्ञ करो,